नमस्कार दोस्तों, आज हम 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा करने वाले हैं। और जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो मैं आपसे कुछ उदाहरण भी चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा और आपको इसके जवाब देने होंगे। सोच के बताइएगा, क्या आपने देखा है कभी कि जब भी कोई खाद्य सामग्री का पैकेट, एग्जाम्पल के लिए आलू के चिप्स का पैकेट या नमकीन का पैकेट या अन्य पैकेट जब हम लेकर आते हैं और यदि वो बहुत दिनों तक रखा रह जाए, उसमें छेद हो जाए या कहीं से फटा हुआ हो, अर्थात उसमें किसी न किसी प्रकार से वो वायु के संपर्क में आ जाए उसकी खाद्य सामग्री, तो क्या होता है? या हमारे घर का जो भोजन होता है अगर खुले में रख दिया जाए बहुत लंबे समय तक और वो वैसे ही पड़ा रहे तो क्या होता है? आप देखेंगे कि यदि खाद्य सामग्री को खुला छोड़ दिया जाए या नमकीन के पैकेट या चिप्स के पैकेट में कहीं से भी यदि वायु इंटर कर जाती है, हवा इंटर कर जाती है, तो आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा खाद्य सामग्री है, पूरी की पूरी जो खाद्य सामग्री है वो खराब होने लगती है। एक तो उसका स्वाद भी बदल जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है, उसकी गंध भी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और ये क्या कहलाता है? तो 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? शाब्दिक अर्थ देखें तो विकृत यानी होता है खराब और गंध यानी गंध खुशबू। मतलब विकृत गंधिता का मतलब हुआ खराब गंध, बुरी गंध। तो आइए इसे हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, क्या है ये? वसायुक्त और तैली खाद्य सामग्री, वसायुक्त और तैली खाद्य सामग्री या अन्य खाद्य सामग्री भी जब वायु के संपर्क में आती है, वसायुक्त और तैली खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है, आने पर उपचयित हो जाते हैं। वसायुक्त और तैली खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद व गंध बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है या उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से हमारी बहुत सारी खाद्य सामग्री खराब हो जाती है। अक्सर हमने ये देखा है कि खाद्य सामग्री को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वायु के संपर्क में आती है, एक्चुअली में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ऑक्सीजन से जब किसी पदार्थ की क्रिया होती है तो वो उपचयित होने लगता है, उपचयित होने लगता है और ऑक्सीजन जो है उसके साथ उपचयित होकर उसके स्वाद को भी और गंध को बदल देती है, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके उदाहरण में देखेंगे कि चिप्स, नमकीन आदि के पैकेट में, आदि को पैकेट में पैक करते समय ऑक्सीजन से कम सक्रिय गैस, ऑक्सीजन चूंकि बहुत ज्यादा सक्रिय होती है इसीलिए वो उपचयित करने लगती है, तो बहुत ही कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन भरी जाती है। ये जो चिप्स के पैकेट है आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें जो गैस भरी हुई है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो है खाद्य सामग्री को उपचयित होने से बचाती है, अर्थात उसे खराब होने से बचाती है। तो ये तो हुआ विकृत गंधिता। इसके अगर हम कारण में जाएं तो इसका जो कारण है, एक तो खाद्य सामग्री को खुला छोड़ देना। यदि हम खाद्य सामग्री को खुला छोड़ देंगे, ऐसा कोई भी कारण जिसके कारण वह वायु के संपर्क में आ जाती है, तो वह विकृत गंधिता का कारण बनती है। अगर इससे बचना है, इससे कैसे बचा जाए, तो कारण जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी तरह से जो खाद्य सामग्री है वो यदि वायु के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो वो खराब होगी। तो हमें कोई भी खाद्य सामग्री को वायु के संपर्क में आने से बचाना है, उसे उसकी अच्छी तरह से पैकिंग करें। यदि खाद्य सामग्री जार में रखी हुई है तो जार या बर्नी में रखी हुई तो उसे अच्छी तरह से एयर टाइट करें। खाद्य सामग्री भोजन आदि है तो उसे अच्छी तरह से ढककर रखें जिससे वो वायु के संपर्क में ना आ सके। तो आज के इस वीडियो में हम विकृत गंधिता देखा। विकृत गंधिता एक बार पुनः बता दे रहा हूं,
कि वसा युक्त और तैली खाद्य सामग्री या अन्य खाद्य सामग्री भी जब वायु के संपर्क में आती है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों इसके दो प्रश्न बनते हैं दसवीं में, एक तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं और दूसरा क्या कारण है कि चिप्स या नमकीन के पैकेट को नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से प्रभावित किया जाता है। तो इसके दोनों ही कारण में आंसर यही आएगा, ये दोनों ही प्रश्न को कारण जो आंसर बनेगा यही बनेगा कि नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से प्रभावित करने का कारण यही है कि वह खाद्य सामग्री को उपचयित होने से बचाती है, विकृत गंधी होने से बचाती है। यही कारण है कि खाद्य सामग्री को पैक करते समय नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। धन्यवाद।